मेरा नाम मुकेश कुमार है मैं टोक राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं अपने एक दोस्त के साथ जोधपुर में रहकर पढ़ाई करता था हम दोनों दोस्त एक ही गांव के रहने वाले हैं और जयपुर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग जोधपुर में एक दो कमरे का मकान किराए पर लेकर रहते थे एक बार हुआ यूँ कि मेरे साथ रहने वाले दोस्त की चाची और मेरी मामी हमारे जयपुर वाले रूम पर आई थी कमाल की बात यह थी कि मेरी मामी और दोस्त की चाची दोनों पक्की सहेलियाँ थी और वो दोनों बी एड की पढ़ाई को लेकर जयपुर आई थी उन्हें एक कॉलेज में दाखिला मिल गया था और अब उन्हें किराए पर एक कमरा चाहिए था मामी ने मुझसे कहा कमरा ढूंढने में हमारी मदद करो और हम दोनों जब तक तुम्हारे कमरे पर ही रह लेगी क्योंकि हमारा फ्लैट दो कमरे का था तो कोई दिक्कत नहीं थी मैंने और दोस्त ने उन्हें रहने के लिए हामी भर दी एक ख़ास बात यह थी कि मेरी मामी और दोस्त की चाची दोनों की शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था मेरे दोस्त की चाची की शादी कुछ पहले हो गई थी और मेरी मामी की शादी अभी दो महीने पहले ही हुई थी मेरे मामा मेरे गांव में ही रहते थे जिस वजह से मामी और चाची की ससुराल हमारे ही गांव में हो गई थी मेरे दोस्त की चाची दिखने में बहुत सुंदर थी मैंने नज़र भरकर अपने दोस्त की चाची को देखा और उसके बाद मेरी नज़र अपने दोस्त से मिल गई वो मेरी मामी की तरफ ही देख रहा था तभी उसने मेरी तरफ़ देखा और हमारी नज़रों ने एक दूसरे के मन की बात पढ़ लिया उसने मुझे इशारा किया और हम दोनों अपने मकान की छत पर आ गए उधर आकर मैंने सिगरेट सुलगाई और धुआं उड़ाने लगा दोस्त ने मेरे हाथ से सिगरेट ली और कहना शुरू कर दिया हाँ अब बता तू मेरी चाची को देखकर क्या सोच रहा था मैंने कहा तू मेरी मामी को देख क्या सोच रहा था मैंने दोस्त से धीरे से बोल दिया मित्र क्या हमारा काम हो सकता है पहले मुझे लगा कि वह नाराज़ होगा, लेकिन वह थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोला फिर मुस्कुरा दिया मैं समझ गया कि इसके मन में क्या चल रहा है कुछ देर बाद हम दोनों नीचे आ गए चाची और मामी हम दोनों को नीचे आता देखकर कर एक साथ बोली कहाँ चले गए थे तुम दोनों मैंने कहा कुछ नहीं जरा छत पर टहल रहे थे मामी बोली तुझे छत पर टहलने की सूझ रही है और इधर हम दोनों अपने रहने को लेकर परेशान हो रही है फिर हम चारों बैठकर बातें करने लगे अब शाम हो गई थी शाम को हम दोनों छत पर बैठकर बियर पीते हुए बात कर रहे थे तभी अचानक मेरे मामा जी का फोन आया और बोलने लगे बेटा तुम अपने आसपास कहीं अपनी मामी को रूम दिला देना और तुम भी अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से रहना मैंने कहा ठीक है मामा जी सुबह देखते हैं हम दोनों ने उस दिन खाना नहीं बनाया था हम बाहर होटल पर खाना खाने चले गए और आपस में बातें करने लगे तभी अचानक चाची ने मुझसे पूछ लिया तुम यहाँ पढ़ाई करते हो या बाहर होटलों पर खाना खाते हुए घूमते रहते हो मैंने कहा आपने यह सवाल क्यों किया आपको ऐसा क्यों लगा तभी मामी बोली अब हम दोनों इस बात का ध्यान रखेगी कि तुम लोग कैसी पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो यह सुनकर मैं कुछ डर सा गया फिर हम चारों ने वहाँ खाना खाया और कमरे पर आ गए कमरे पर ऐसे ही हमारी बातें चलती रही थी मैंने बोल दिया क्यों ना आप दोनों हमारे साथ यहीं पर सेटल हो जाओ हमारे पास दो रूम हैं जब तक आपका मन हो या दूसरा कमरा नहीं मिलता तब तक यहाँ रहा जा सकता है पहले मुझे लगा कि उन्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा लेकिन वो दोनों ही झट से मान गई अब हम सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और सोने लगे हम दोनों दोस्त बातें करने लगे और योजना बनाने लगे अगले दिन मैं रोज की तरह छत पर बैठा था मेरा दोस्त सब्जी लाने बाज़ार गया था तभी मामी और चाची दोनों छत पर आ गई थी और हम तीनों आपस में बातचीत करने लगे थे तभी अचानक ज़ोर से आंधी आने लगी एक हवा का तेज झोंका आया और उन दोनों की चुन्नी उड़ा ले गई यह देखकर मामी और चाची शर्मा गई तभी मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं यह सब नॉर्मल है इतना तो चलता है लेकिन मैं मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था फिर हम सब नीचे आ गए और देखते ही देखते रात हो गई हम सब खाना खाने आ गए उन तीनों ने खाना खाया लेकिन मैंने भूख नहीं लगने की बात कहकर खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे बिना बियर पिए चैन नहीं पड़ रहा था कुछ देर बाद वो दोनों अपने कमरे में चली गई फिर मैंने बियर निकाली और पीने लगा एक बोतल अंदर करने के बाद मैंने खाना खाया और सिगरेट पीने छत पर चला गया जब वापस नीचे आया तो मेरा दोस्त सो गया था मैं भी लेट गया मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं मामी के रूम में पहुंच गया वो दोनों सो रही थी मैंने मामी को जगाया मुझे लगा कि वह मुझे डांटेंगी लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने आंखें खोल दी थी और वो मुस्कुरा रही थी इतने में चाची भी जाग गई हमारे बीच थोड़ी बहस हुई दोस्त की चाची मेरे ऊपर गुस्सा होने का नाटक करने लगी वो बड़बड़ा रही थी और बोल रही थी कि मैं तेरे घर पर शिकायत करूँगी यह सब हल्ला होने से मेरा दोस्त भी जाग गया वह भागता हुआ कमरे में आ गया फिर मामी ने चाची से कहा कोई बात नहीं यार हम भी तो उनसे दूर है और अगर हमें चाहिए तो इन लोगों से मिल जाएगा ये सुरक्षित और अच्छा भी रहेगा कुछ देर बाद चाची मान गई फिर मैंने मामी का और दोस्त ने चाची का अच्छे से ख्याल रखा लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये करने में हम सबको बहुत ही आनंद आया था ऐसा मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार हुआ था फिर खेतों में पानी देने के बाद सब लोग सो गए थे लेकिन ये तो शुरुआत थी लगभग हम सब छः महीने तक ऐसे ही थे उसके बाद सब लोग अलग अलग हो गए धन्यवाद दोस्तों